परम पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज के 63वें जन्म दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में भी विश्व जागृति मिशन द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। राजधानी शिमला में विश्व जागृति मिशन शिमला द्वारा धर्मगुरु आचार्य सुधांशु जी के 63वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर कला एवं संस्कृति विभाग की महासचिव पूर्णिमा चौहान द्वारा रिपन अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों को फल मिठाई व वस्त्र वितरित किए गए। विश्व जागृति मिशन शिमला के प्रधान हरिचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मगुरु परम पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में राजधानी शिमला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह इस मौके पर रिपन अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों को फल मिठाई एवं वस्त्र वितरित किए गए। हमारे गुरुवर परम पूज्य आचार्य सुधांशु महाराज लोक विख्यात संत का जन्म दिवस 63वां जन्म दिवस आज सारे हिंदुस्तान भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेषकर हमारे हिमाचल प्रदेश में भी सभी मंडलों में महाराज जी की बहुत अपार कृपा है। वो रोजाना कैसे जीवन जीना है उसकी राह वो बताते हैं। उनके प्रवचन सुन करके सभी लोगों को बड़ा आनंद आता है। हमने शिमला शहर में आज रिपन अस्पताल में जाकर के जहाँ की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती पूर्णिमा चौहान जी सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर की आई थी मुख्य अतिथि के रूप में, और रिपन अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों को फल मिठाई वस्त्र उनके हाथों से बांटे गए। हर साल हमने ये जो चिल्ड्रन वार्ड है इसको हमने अडॉप्ट किया है। इसके साथ साथ हम गरीबों की मदद करते हैं जिनको बहुत जरूरतमंद लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।